मासी उतरी मोटरसाइकिल के डासो मोटरसाइकिल ले रहा है मैं फिर ये मासू मासू गाड़ी उतरी है मासू ही लहरी गाड़ी बनी है न्यासू उतरी है अरे न्यासू उतरी है को मासू यस एक ही जगह पर यहाँ सूत्री गाड़ी या नहीं ये टायर या नहीं काला काला ही थोड़ा आगे या पस या बजरी पस टायर या गोबर के और या टायर भी हो या ये फिर ये खड्डा में पड़ियो एक टायर एक ऊपर काम है रिवेसी छा गई है गाड़ी तो वो बट बॉय रियो मतलब वो बाटा रियो वो बाटा गार गई थी। नमस्कार आप देख रहे हैं जीनीज पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद बाटा दा कस्बे में अभी अनियंत्रित होकर कार से चार पांच लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना है। मौके पर ग्रामीणों द्वारा उन्हें बाटादा और बाटादा से गंगापुर के लेफर कर दिया गया, ऐसे हमारे पास जानकारी मिल रही है। और बताया जा रहा था कि वो शादी में आए थे, बंडाला तालाब में नहाकर वापस आ रहे थे, तभी गाड़ी का अनियंत्रित होकर, ये आप देख पा रहे हैं गाड़ी के जो निशान हैं उसको हम आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, और ये जो बिजली का पोल है इस बिजली के पोल से गाड़ी टकराई है, जिसके तीन टुकड़े हो चुके हैं पोल के, और गाड़ी गाड़ी की हालात इस प्रकार है। ये गाड़ी की हालात इस प्रकार है, अभी कुछ ही देर की ये घटना है। घायलों को गंगापुर सिटी के लिए भेज दिया गया है, और आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी के टायर हैं वो भी निकल चुके हैं। पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया, ये आप देख पा रहे हैं ये रक्त उनका लगी है जिनकी। अभी हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन गाड़ी की हालात इस प्रकार है, क्योंकि जब तक हम जी न्यूज पोर्टल यहाँ पहुँचा उससे पहले गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी के लिए प्रेम सुख तू यही हो तो कैसे ले गया उनको ले मोटरसाइकिल अच्छा आप क्या नाम है आपका दौड़ूराम जी तो आपने क्या देखा मोटरसाइकिल से लेके थे मोटरसाइकिल से तीन जने एक तो गाड़ी आंक रहा था दो जना बैठे थे एक को गोदी में लटका के हॉस्पिटल में ले जाते हुए देखा मैंने मोहर से भी उनको गंगापुर के लिए रवाना कर दिया। तो उनकी हालात किस प्रकार थी गंभीर थी या बिल्कुल गंभीर थी उसकी और एक की हालात गंभीर कितने लोग थे टोटल ये पांच लोग थे टोटल मुझे पांच गंभीर घायल है एक ज्यादा गंभीर ज्यादा एक है और तो नॉर्मल है मतलब एक गंभीर घायल है और चार घायल है तो जैसे जानकारी हमको मिल रही है कि वो एक गंभीर घायल है और चार हल्की फुल्की है उनको मोटरसाइकिल सबसे बड़ी दुख की खबर है मैं डेली यहाँ से खबर चलाता हूँ बाटादा से कि बाटादा में एम्बुलेंस होना अति आवश्यक है उसके बाद भी यहाँ बाटादा में एम्बुलेंस नहीं है और उसका खामियाजा हो सकता है कि आज जनता को भुगतना पड़े जो घायल है वो उसे मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा है अब वो गंगापुर पहुंचे या नहीं पहुंचे वो बाद की बात है लेकिन क्षेत्र में एम्बुलेंस का होना अति आवश्यक है। आपका गांव कौन सा है चाचोली क्या नाम बताया आपने दौड़ूराम जी ये बताइए अगर यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होती तो वो सुरक्षित पहुंच जाते या नहीं पहुंचते मोटरसाइकिल सुरक्षित पहुंचते तुरंत अगर एम्बुलेंस की अभी भी कोई पुलिस वुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कुछ भी देखा नहीं है अभी पुलिस तक भी नहीं आई यहाँ कुछ भी नहीं है अभी मोटरसाइकिल से एक दूसरा ने हेल्प करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो पुलिस को तो सूचना दी होगी पुलिस वाले को तो क्या पता गाँव वाले ने दही है कि नहीं है मैंने तो जो देखा वो बता रहा हूँ लेकिन एम्बुलेंस की तो अति आवश्यकता है जैसे होना जरूरी होता है यहाँ पांच मिनट बाद में एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया ये स्टोर पे ज्यादा ही होती है कुछ घटना ऐसी और इस रोड पे ब्रेकर नहीं है एक ब्रेकर नहीं है मोड़ है बिल्कुल विकट मोड़ की वजह से ज्यादा होता है इसको बार बार बताते हैं दो चार बार पहले भी खत्म हो चुके हैं इसके मामले में कोई गवर्नमेंट नहीं ध्यान नहीं दी तो हम आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ जनता है जनता की मदद से मोटरसाइकिल के द्वारा उन्हें गंगापुर ले जाया जा रहा है ऐसी हमारे पास जानकारी मिल रही जैसे दौड़ूराम जी सांचोली ने बताया लेकिन मैं यहाँ से डेली रोज खबर चलाता हूँ गांव की जनता भी यहाँ सोई हुई है अगर एम्बुलेंस की आज व्यवस्था होती तो हो सकता है कि वो जो लोग घायल है जो या गंभीर घायल है उन्हें आसानी या सुविधा के साथ में गंगापुर या जल्दी ले जाया जाता और अब देखने वाली बात है कि मोटरसाइकिल से ले गए हैं या बीच रास्ते में और कोई उन्होंने साधन किया है तो यहाँ लोगों का हुजूम है यहाँ उमड़ पड़ा है लोग जैसे सूचना मिल रही है यहाँ आ रहे हैं और अभी जानकारी आना बाकी है लेकिन इतना जरूर बताया जानकारी हमें जो मिली है
कि हरिजनों के जो लड़के थे वो शादी में आए हुए थे और बनाला तालाब से नहाकर वापस आ रहे थे, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर इस खम्भे से टकराई। और आप देख पा रहे गाड़ी का कि जो गाड़ी की जो हालात है वो आपके सामने है, किस प्रकार की गाड़ी की हालात है। गाड़ी की हालात की हम बात करें तो गाड़ी की जो टायर है पीछे के, ये आप घर गाड़ी से गाड़ी एक अचानक घूमी है शायद, ऐसा लग रहा है। और गाड़ी के जो टायर है वो टायर जबरदस्त था कि गाड़ी का मुंह वापस पश्चिम दिशा में हो गया। अच्छा, इतना गया, इतना जबरदस्त था कि पूर्वी दिशा की तरफ गाड़ी जा रही थी, पश्चिम दिशा में घूम गई। और गाड़ी की ये हालात है, इस प्रकार की हालात ये देख। और गाड़ी के पीछे का एक टायर आप देख पा रहे हैं आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इनकी है। और तो गाड़ी की इतनी जबरदस्त भिड़ंत है इतनी कि गाड़ी